और अब खबर रायपुर से, जहां समीक्षा बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन का जो काम हुआ उसको तेज गति से आगे बढ़ाया की दिशा में सार्थक बातचीत होगी। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए विद्युत बचत कर सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आर्थिक बचत और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। वहीं परसीमन के आदेश को लेकर उन्होंने कहा, विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को परसीमन का आदेश दे दिया गया है। कलेक्टर अपने जिले के सभी निकायों की परसीमन की कार्यवाही करें। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्थिति का आकलन करें कि जनता उन्हें कहां पहुंचा दिया है। एनडीए मजबूत है, एकजुट होकर सरकार का गठन हुआ है जो विकसित भारत की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। प्रदेश की व्यवस्थाओं को ठीक करना ही हमारी सरकार का अहम लक्ष्य है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार के मुखिया के नाते सभी विभागों में अब तक क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या स्थिति है, इन सब बात की जानकारी लेना और उसके बाद आगे किस तरह से काम करना है, कामों को कर से आगे बढ़ाना है, इन सब विषयों पर आज माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से हम सबके लिए उत्साहवर्धक होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमारे विभाग को मिलेगा और हम जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर नल से जल और प्रदेश में पेयजल की आपूर्ति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में, उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आज सार्थक बातचीत और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से।